इन अ वन गॉड हैंड्स इट वॉज अ मोनोथिस्टिक मूवमेंट। वेरी गुड। नाउ हु फॉर्म द कबीरपंथीज? कबीरपंथी किसने फॉर्म की थी? द फॉलोअर ऑफ कबीर फॉर्म द कबीरपंथीज। अब वो लोग जो कबीर को फॉलो करते थे, वो लोग जो कबीर की नॉलेज को फॉलो करते थे या उनके आइडियाज को फॉलो करते थे, उन लोगों ने कबीरपंथीज को फॉर्म किया। ठीक है भक्ति, अनम्यूट योर सेल्फ एंड रीड दिस आंसर। भक्ति, भक्ति, ओके, भक्ति इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। हार्दिक, यस मैम। रीड दिस आंसर। मैम सेकंड वाला, द यस, फॉलोअर्स ऑफ कबीर फॉर्मड द कबीर पंथीज। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट इज शरियत? द मुस्लिम होली लॉ इज कॉल्ड शरियत। अब जो मुस्लिम की जो होली लॉ है, मतलब लॉ का मतलब क्या होता है? रूल, और होली मतलब पवित्र। तो वो रेगुलेशंस जो वो लोग बहुत ज्यादा होली मानते हैं, पवित्र मानते हैं, उसे शरियत कहते हैं। ठीक है, शेरियत, सॉरी शेरियत। तो अजीम, रीड दिस आंसर, यस मैम, रीड दिस आंसर। द मुस्लिम होली लॉ इज कॉल्ड द शरियत। ओके, नेक्स्ट, नेम अ फ्यू मोनोथियस्टिक सेंट्स। अब हमें क्या बताना है? कुछ मोनोथियस्टिक संत के बारे के नाम बताने हैं, जो सिंगल गॉड में बिलीव करते थे, उनके नाम बताना है। ठीक है, सो कबीर, रविदास, रविदास नहीं आएगा यहाँ पे, रविदास आएगा। ओके, कबीर, रविदास, नामदेव, त्रिलोचन, धन्ना एंड गुरु नानक वर सम मोनोथियस्टिक सेंट। ठीक है, हर्षित मनवानी, अनम्यूट योर सेल्फ। हर्षित मनवानी, दिव्यांशी धारीवाल, यस मैम, कबीर, रीड दिस आंसर। रविदास, नामदेव, त्रिलोचन, धन्ना, धन्ना एंड गुरु नायक वर सम गुरु नानक गुरु नानक वर सम मोनोथेस्टिक सेंट्स। ओके। सो ये था फोर्थ क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, फिफ्थ वन, व्हाट वर द थ्री प्रिंसिपल दैट अकॉर्डिंग टू गुरु नानक फॉर्म द एसेंस ऑफ लाइफ? अब कौन से तीन प्रिंसिपल्स थे जिसके ऊपर गुरु नानक ने कहा था कि ये लाइफ के एसेंस है, दैट दीज थ्री प्रिंसिपल्स आर सो इम्पॉर्टेंट? उन तीन प्रिंसिपल्स को
वो बताना है हमें. सो गुरु नानक इम्फेसाइज, अब गुरु नानक ने किस पे इम्फेसाइज किया? इम्फेसाइज करना मतलब किसी चीज को प्रेशराइज करना, किसी चीज पर ध्यान देना. तो गुरु नानक इम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्शिप ऑफ वन गॉड. उन्होंने क्या इम्फेसाइज किया, किस चीज पर ध्यान दिया? सिंगल गॉड की वर्शिप पर ध्यान दिया. गॉड ऑफ नानक वॉज नॉन इनक्रेनेट. अब जो नानक के गॉड थे वो इनक्रेनेट एंड फॉर्मलेस थे, निरांकार थे, एटर्नल मतलब जो कभी खत्म ना हो उसे कहते हैं एटर्नल, एंड इनएफेबल मतलब अलंग. ही इंसिस्टेड दैट कास्ट क्रीड और जेंडर वॉज इररिलेवेंट. और उन्होंने क्या कहा कि ये जो कास्ट क्रीड और जेंडर हम फॉलो करते हैं ये इररिलेवेंट है. फॉर अटेनिंग लिबरेशन हिज आइडिया ऑफ लिबरेशन वॉज नॉट दैट ऑफ स्टेट ऑफ इनर्ट ब्लीस बट रैदर टू परस्यूट ऑफ एक्टिव लाइफ विद अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल कमिटमेंट. अब उनका आइडिया क्या था कि आप पीस कैसे ला सकते हैं, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल कमिटमेंट मतलब आपका जो लाइफ है उसमें आपको सोशल कमिटमेंट्स पर ध्यान देना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे नॉन इनकार्नेट का मतलब, नॉन इनकार्नेट का मतलब होता है what we can say is wait a second. ओके, नॉन इनकार्नेट का मतलब होता है वो चीज जो इनविजिबल हो, मतलब कि जो सिर्फ आपकी सोच में हो, राइट. जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान हर तरफ है, सो वही उनका क्या था, एक प्रिंसिपल था दैट ही इज नॉन इनकार्नेट, ही इज इनविजिबल, राइट, ही इज फॉर्मलेस, एटर्नल, कभी खत्म ना होने वाला, हमेशा साथ देने वाला, इनएफेबल. ओके, तो ये उनके प्रिंसिपल्स थे. सो हर्षित मनवानी, ओके हर्षित मनवानी इज स्लीपिंग आई गेस. अजीम, read this answer. Guru Nanak emphasized the importance of the worship of one God. God for Nanak was non incarnate and formless, nirankar, internal, एकल एंड ब्रैकेट वाला मत पढ़ो, फॉर्मलेस, एटर्नल एंड इनएफेबल. एंड इनएफेबल ही इंसिसाइड, इंसिस्टेड, ये हमें पढ़ना नहीं आ रही, इंसिस्टेड डेड रेड कैस्ट क्रीड और कास्ट क्रीड और जेंडर वाज irrelevant for irrelevant for attaining liberation. His idea of liberation was not that of a state of inner bliss but rather pursuit of active
active life with a strong life with a strong sense of commitment. Okay. Yes, okay. Good. Next, write short note on the two style of Indian classical. वेट ये क्वेश्चन नहीं है, इट्स अ मिस्टेक. ये जो है टू स्टाइल्स ऑफ, ये क्वेश्चन काट दिया गया है. ये जो है दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, इट्स अ प्रिंटिंग मिस्टेक. ये जो है ये वाला जो सिक्स्थ लिखा हुआ है, इट्स अ प्रिंटिंग मिस्टेक. ये लाइन कुछ भी नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट. राइट अ नोट ऑन गुरु नानक टीचिंग. अब हमें क्या बताना है, गुरु नानक की जो टीचिंग्स है उसके ऊपर एक नोट लिखना है. ठीक है, सो द टीचिंग ऑफ गुरु नानक वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन आदि ग्रंथ. अब गुरु नानक जी की जो टीचिंग्स है, उनकी जो प्रिंसिपल्स है, उन्हें सिखा, उन्हें किसमें लिखा गया है, आदि ग्रंथ में लिखा गया है. एंड लेटर नोन एज गुरु ग्रंथ साहिब, और जिसे बाद में क्या कहा जाने लगा, गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाने लगा. गुरु नानक इम्फेसाइज्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्शिप ऑफ वन गॉड, और ये सेम हमने ऊपर लिखा है, राइट. उन्होंने किस पे एम्फेसाइज किया, सिंगल गॉड पे एम्फेसाइज किया. गॉड ऑफ नानक वॉज इनकार्नेटेड एंड फॉर्मलेस, एटर्नल एंड इनएफेबल. ही इंसिस्टेड दैट कास्ट, क्रीड और जेंडर वॉज इररिलेवेंट इन अटेनिंग लिबरेशन. सेम आंसर है फिफ्थ एंड सिक्स्थ, सिर्फ ऊपर की जो लाइन है वो चेंज है. ठीक है, समझ में आया. तो हु विल रीड दिस, लक्ष्य. लक्ष्य यस मैम, रीड दिस आंसर. The teaching of Guru Nanak was incorporated in Adi Granth. In Adi Granth, later known as Guru Granth Sahib. Guru Nanak emphasized. The importance of worship of one God, God of Nanak was known incarnated and formed formless and formate eternal. Eternal and ineffable. Ineffable, he insisted that caste cade of gender and was irrelevant. Irrelevant for attaining liberation. His ideas of liberation was not the of a instead of not bills but the life was the strong sense of social commitment. Okay, good. Next, this is the last question of your chapter, और आज आपका ये chapter खत्म हो जाएगा. ठीक है, और यही पूरा chapter आपका homework रहेगा.
What did the monotheistic movement represent and what made it was it different from Vaishnav Bhakti? A monotheistic movement क्या बताता है और ये वैष्णव भक्ति से कैसे अलग है? Monotheistic bhakti was nirgun bhakti or belief in one form of God, not sadgun, that belief in various human incarnation of God. A monotheistic. Monotheistic क्या था? Monotheistic का मतलब होता है सिंगल गॉड, ठीक है, जिसका मतलब है निर्गुण भक्ति, ना कि सद्गुण भक्ति. मतलब दो तरीके की भक्ति होती है, राइट? मोनोथियस्टिक मतलब सिंगल गॉड में बिलीफ रखना, और सद्गुण भक्ति का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे भगवान में बिलीफ रखना. मोनोथियस्टिक फॉलोड द पाथ विच वॉज इंडिपेंडेंट of both the dominant religions of the time of Hindu and Islam. A monotheistic जो path है वो दोनों religions ने follow किया है किसी time में, Hindu ने भी, Hinduism ने भी और Islamism ने भी. Monotheist composed their poem in popular language. Monotheist में क्या होती है, poem create करते हैं उन्होंने then popular languages में. In contrast वैष्णव भक्ति was सद्गुण भक्ति, और वैष्णव भक्ति कैसी थी, सगुना भक्ति थी, राइट? मोस्ट ऑफ द संत ऑफ वैष्णव भक्त मूवमेंट पॉपुलराइज्ड कृष्णा भक्ति और रामा भक्ति. अब बहुत सारे ऐसे संत थे वैष्णव भक्ति में जिन्होंने किसकी फॉलोशिप की है, कृष्ण की भी की है या फिर राम की भी की है. द मूवमेंट ड्रीव इट्स बेसिक इंस्पिरेशन फ्रॉम द इनस्क्रिप्चर्स, और इस मूवमेंट में हमें बेसिक इंस्क्रिप्शंस कहाँ से मिलती है, स्क्रिप्चर्स से मिलती है, जो स्क्रिप्ट्स वो लोग लिखते थे, ठीक है. अदिति अनम्यूट योरसेल्फ एंड रीड दिस आंसर. द मोनोथेस्टिक भक्ति वॉज निरगेन भक्ति और बिलीव इन वन गॉड, निरगेन भक्ति और बिलीव इन वन वन फॉर्म ऑफ गॉड एंड नॉट संगना और सद्गुण सद्गुना भक्ति एंड नॉट सतगुण और बिलीव इन वेरियस human incarnation of God. The monotheistic follow a path which was independent of both the dominant contrast. अरे ऊपर वाली लाइन, dominant religion of the time, Hinduism and Islam, the monotheistic composed their poems in various popular languages. In contrast, Vaishnava Bhakti was sung was. सगुना भक्ति. मोस्ट ऑफ द संत ऑफ वैष्णव भक्ति मूवमेंट पॉपुलराइज्ड कृष्ण भक्ति और राम भक्ति. द मूवमेंट ड्रू इट्स बेसिक इंस्पिरेशन फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स. ओके, सो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है और ये चैप्टर आपका होमवर्क है, ठीक है? यस मैम. एंड अदिति जी बोलिए, बोलो. मैम आपने ये सारे जो भी चैप्टर है इनकी बुक एक्टिविटी आपने गूगल क्लासरूम पे भेजी है? नहीं बेटा, गूगल क्लासरूम पे नहीं है. ये सब आपको YouTube पे मिल जाएगा, जैसे हम क्लास मैं आपको क्लास में पढ़ाती हूँ ना, राइट? तो मैं उसे रिकॉर्ड कर लेती हूँ और फिर सर उसे YouTube पे डाल देते हैं. तो आप YouTube पे जो आपको पहले लिंक दी जाती थी
राइट right? उस लिंक के थ्रू अगर आप यूट्यूब पेज पे विजिट करोगे तो आपको सब कुछ वापस मिल जाएगा, ठीक है, चैप्टर एक्सप्लेनेशन से लेके बुक एक्टिविटी सब कुछ। थैंक यू। हाँ, और थोड़ी रीडिंग करो, रीडिंग अपनी कितनी गंदी हो गई है, पढ़ाई वढ़ाई कर रही हो।